नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहे। ममता ने कांग्रेस को साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से उन्हें मनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ममता अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। ममता का ये दावा बेवजह नहीं है। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के आंकड़े भी उनके दावे की गवाही देते हैं। 2009 में लोकसभा चुनावों के बाद से बंगाल में कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें लगातार कम हुई हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार इजाफा हुआ है। 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बंगाल में 13.5% वोट मिले थे और 6 सीटों पर उसकी जीत हुई थी। 2014 में वोट शेयर का आंकड़ा कम होकर 9.7% रह गया, सीटें भी 4 रह गई। 2019 के चुनाव में इसमें और कमी आई और जब कांग्रेस को 5.6% वोट मिले और पार्टी केवल 2 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2009 में 31.23% वोट मिले थे, 2019 में यह बढ़कर 43.3% हो गया। हालांकि 2009 से 2019 के बीच बंगाल में वोट शेयर में सबसे ज्यादा बदलाव बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के मामले में आया है। बीजेपी को 2009 में केवल 6.1% वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर हो गया 40.6%। दूसरी ओर वाम धड़े को 2009 में 33.1% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में यह कम होकर 6.3% रह गया। 2014 के लोकसभा चुनावों तक बीजेपी बंगाल में 1-2 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 2019 में इसने तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती देते हुए 18 सीटों को जीता था। ममता बनर्जी की पार्टी को 22 सीटें मिली थी, 42 सीटें यहां पर सांसद वाली हैं, तो मतलब 42 सीटों वाले राज्य में इन दोनों ही पार्टियों के अलावा केवल कांग्रेस ही 2 सीट जीत पाई थी, जबकि वाम धड़े का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया था। 2009 के बाद से बंगाल में सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। 2009 तक राज्य में 3 बड़ी पार्टियां थी, सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। मौजूदा हालात में सीपीएम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती है, जबकि कांग्रेस से पूरी तरह से हाशिए पर। दूसरी ओर बीजेपी बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है और उनका सीधा मुकाबला है तृणमूल कांग्रेस के साथ। यही वजह है कि ममता बनर्जी को राज्य में इंडिया गठबंधन की मदद की जरूरत महसूस नहीं होती और वो एकला चलो के नारे पर अड़ी हुई है।